अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन। पहले हम एक हरा भरा सा पेस्ट बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी मिर्च यहाँ मैं 10 से 12 ली हूँ, आप अगर कम तीखा खाएं तो कम लें। और पुदीना, पुदीना एक मुट्ठी है, और 2 करी पत्ता है, और 1 मुट्ठी धनिया पत्ता है। हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और इसी पेस्ट में हम एक नींबू निचोड़ लेंगे ताकि इसका रंग ख़राब ना हो, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। अब 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे और एक बार पीस लेंगे। यहाँ मैं चिकन 500 ग्राम ली हूँ। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, दही 3 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये ग्रीन पेस्ट। इसे सारे मसाले ऐड करके इसे मैरिनेट कर लेंगे चिकन को। चुटकी भर ग्रीन कलर ली हूँ, कलर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। और नमक डालकर इसे मैरिनेट कर लेंगे। अब हमें और एक पेस्ट बनाना है। 2 चम्मच 4 मगज है काजू, 10 से 12, इसे हम हल्का सा भून के ले लेंगे। और 3 मीडियम साइज प्याज है, इसे ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इसमें 6 से 7 हरी इलायची ऐड करके इसका एक पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करके मैरिनेट कर लेंगे। और एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी ली हूँ, 2 चम्मच तेल ली हूँ, उसमें 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालकर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा ढककर पकाएंगे, थोड़ा ऐसे करके इसे थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए चिकन भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, आपको जितना थिक चाहिए आप उसी हिसाब से पानी रखिए। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। दस से 12 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए चिकन और मुझे और थोड़ा थिक चाहिए, इसीलिए मैं और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करूंगी और इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पका लूंगी। देखिए ग्रीन चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, धनिया पत्ता और कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे ढककर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद इसे डिश आउट करेंगे ताकि इसका फ्लेवर, धनिया पत्ता और प्याज का फ्लेवर सारा
हमारी करी में आ जाए, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। करी हमारी बहुत ही मज़े की बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और पसंद ना आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।